हेलो न्यू फैंस, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है रीइनकार्नेटेड एज अ गेम चेंजर का एपिसोड 18। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू में देखते हैं सॉन्ग रेडर्स गिल्ड के प्लेयर्स के हाथ में एक डंजन के अंदर है, जहाँ पर इनके ऊपर एक छोटा सा मोशस का अटैक होता है। सॉन्ग इस अटैक में दो बंदों की जान बचाता है, लेकिन इन दोनों में से एक बंदा सॉन्ग के साथ में गद्दारी करता है और सॉन्ग से उसका एक इक्विपमेंट चुरा लेता है। इस बारे में सॉन्ग को पता भी नहीं चलता। इसके थोड़ी देर बाद में रेडर गिल्ड के बाकी प्लेयर्स भी सॉन्ग से लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। गिल्ड लीडर सॉन्ग को धमकी देता है कि वो अपने पास से सारे इक्विपमेंट निकालकर उसे दे दे, नहीं तो वो मारा जाएगा। सॉन्ग साफ मना कर देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है तब उसे पता पड़ता है उसका सबसे स्पेशल इक्विपमेंट व्हाइट पाउडर, जो कि उसने मर्चेंट से खरीदा था, वो उसके पास में नहीं है। इसी टाइम पर रेडर्स गिल्ड के प्लेयर सॉन्ग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सॉन्ग के ऊपर तलवारों से अटैक होता है, जिन्हें सॉन्ग साइड में होकर डॉच कर लेता है और फिर सोचने लगता है मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है उस व्हाइट पाउडर के बारे में सोचने का, अभी मुझे इन सभी से निपटना होगा। इसी टाइम पर सॉन्ग के ऊपर फ्लेम थ्रोर अटैक भी हो जाता है, जिससे भी सॉन्ग बड़ी फुर्ती से चल कर डॉच कर लेता है। और अब इसके बाद में सॉन्ग के अटैक शुरू होते हैं। सॉन्ग जल्दी से अपना ब्लेड निकाल लेता है। टीम लीडर क्यू हिली की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। क्यू हिली के साथ में खड़ा हुआ बंदा जो कि एक मेज है, वो कहने लगता है ये लड़का कितना बेवकूफ है, डायरेक्टली हमारी तरफ आ रहा है। आर्चर बोलता है लगता है इसे लग रहा है कि हमारे पास में आकर हमें जल्दी से मार देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी अपने एक एरो से इसका सर खोल दूंगा। ये कहते हुए आर्चर अपने बो के ऊपर अपना एरो रखता है और सॉन्ग के ऊपर एम करने लगता है। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग के पास में भी एक स्पेशल स्किल है, ब्लैक मिस्ट, जो कि उसे उस मोल को मारने से मिली थी। जैसे ही सॉन्ग उन सभी प्लेयर्स के बीच में एकदम सही लोकेशन पर पहुंचता है, वो तुरंत इस स्किल को एक्टिवेट कर देता है। सॉन्ग की बॉडी की तरफ धुआं निकलता है, जिससे आसपास के सारे प्लेयर बुरी तरह से अंधे हो जाते हैं। लेकिन आर्चर अंधा होने से पहले ही अपने एरो को शूट कर देता है। ये देखकर एक संकली सॉन्ग डर जाता है और सोचने लगता है कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। तभी वो एरो सॉन्ग के कंधे के एकदम पास से गुजरता है। आर्चर का निशाना मिस हो चुका है। ये देखकर सॉन्ग की जान में जान आती है। सॉन्ग सोचने लगता है चलो बढ़िया है, मैंने अपने सारे स्टार कॉइंस इस ब्लैकलिस्ट स्किल को अपग्रेड करने के लिए लगा दिए थे, ये चीज अब मेरे काम आ रही है। इस स्किल का रेडियस अब 5 मीटर का हो चुका है और इफेक्ट टाइम भी बढ़कर 20 सेकंड्स का हो गया है। इसके अलावा मैं जैसे जैसे इनके ऊपर अटैक करता जाऊंगा ये टाइम और ज्यादा बढ़ता जाएगा, सॉन्ग ये सब कुछ सोच रहा होता है। इसी टाइम पर क्यू हिली अपनी टीम को संभालने की कोशिश करता है। वो उन सभी से कहता है बिल्कुल भी घबराओ मत, इसका एक टाइम इफेक्ट है, जल्दी ही ये ब्लाइंडनेस हट जाएगी, इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, सबके सब मेरे पास में रहो। इसी टाइम पर ये प्लेयर जिसका नाम अजाव है ये कहने लगता है जी कमांडर हम यहीं पर है, मैं अभी यहाँ पर अपनी स्किल यूज करता हूँ जिससे ये लड़का हमारे आसपास में नहीं आ पाएगा। फिर अजाव सॉन्ग से कहता है सॉन्ग तूने अपनी स्किल यूज करके हमें चौंका दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम सब जीत जाएगा। अजाव अपनी बात को पूरी गिर रहा होता है। तभी सॉन्ग अजाव के एकदम पास पहुंच जाता है और उसकी स्किल पूरी तरह से रेडी होने से पहले ही उसके दोनों हाथों पे अपने ब्लेड से जोर से अटैक करके दोनों हाथ काट देता है। इससे चारों तरफ अजाव को खून फैल जाता है, उसकी जीभ गूंजने लगती है, वो जमीन पे गिर जाता है। सॉन्ग सोचने लगता है ये एक फाइटर है, इसके दोनों हाथ मैंने काट दिए हैं। फाइटर की मेन पावर उसके हाथों में होती है, अगर उसके हाथ कट जाए तो वो बिल्कुल बेकार है, इसलिए अब ये भी एकदम बेकार हो चुका है। इसी टाइम पर इन दोनों बंदों तक अजाव की चीखें पहुंचती है, ये दोनों वही है जिन्होंने सबसे पहले सॉन्ग पर अटैक किया था। इनमें से एक कहता है अजाव मेरे भाई मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ये लड़के सॉन्ग ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, तूने हमें ब्लाइंड करके हमारे एक साथी पर अटैक किया है, एक बार हमारी ब्लाइंडनेस हटने दे फिर तू देख हम सब कैसे तुझे मारते हैं। ये कहते हुए प्लेयर आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तब इसकी साथी प्लेयर इसको रोक देती है और इसे कहती है नहीं आगे मत बढ़ो, ये उसका एक ट्रैप है, हमें अभी के लिए डिफेंसिव फॉर्मेशन बना के रखना चाहिए, जब तक ब्लाइंडनेस नहीं हट जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सिम यही चीज क्यू हिली और बाकी के बंदे भी सोच रहे होते हैं, वो सब के सब एकदम पास में खड़े हो जाते हैं। क्यू हिली अपने साथियों से कहता है पूरी तरह सतर्क रहना, वो लड़का किसी भी तरफ से हम पर अटैक कर सकता है, अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम भी उस पर अटैक करके उसे मार सकते हैं। ये देखकर सॉन्ग सोचने लगता है इस तरीके से तो इन पर अटैक करना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, इन सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाया है, चाहे मैं कहीं से भी इन पर अटैक कर लूं अटैक तो होगा नहीं बल्कि मुझे पीट देंगे। इन लोगों के पास में जो इक्विपमेंट है उनका लेवल मेरे इक्विपमेंट से काफी ज्यादा हाई है, मैं इस तरीके से तो इनसे नहीं जीत पाऊंगा, अगर मेरे पास में वो व्हाइट पाउडर होता तब तो मैं कुछ कर सकता था। ये सोचते वक्त में सॉन्ग पीछे की तरफ देखता है, पीछे वो दोनों मर्चेंट खड़े होते हैं जिन्हें क्रिस्टल माइनिंग का काम दिया गया था, क्योंकि ये सॉन्ग से काफी ज्यादा दूर थे इसलिए इन तक सॉन्ग की ब्लाइंडनेस का इफेक्ट नहीं पहुंचा है। ये दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। इनमें से एक कहता है प्लीज हमारे पास से मत आना, हम इन लोगों के साथ में नहीं है, हमें मत मारो। फैंग कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और अगर फिर भी तुमने हम पर अटैक करने की कोशिश की तो ये मत समझना हम एकदम कमजोर है, हम तुमसे फाइट कर सकते हैं, हम नहीं डरते तुमसे। ये कहते हुए फैंग के पसीने छूट रहे होते हैं, उसके पांव कांप रहे होते हैं। सॉन्ग कहता है तुम दोनों इससे डर क्यों रहे हो,
मैं किसी भी कारण से तुम दोनों को मारने की कोशिश क्यों करूंगा? जब तुमने कोई गलती की ही नहीं तो कोई भी तुम्हें क्यों मारेगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों ने कुछ किया है? ये कहने के बाद में सोंग को ये पहले हुई अजीब सी बात याद आने लगती है। फिर सोंग फेंग से कहता है, फेंग अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरी एक बहुत ही स्पेशल चीज है जो कि मेरे पास से मिसिंग है। मैं चाहता हूँ तुम अभी के अभी अपनी इन्वेंट्री ओपन करो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारी इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या है। ये सुनते ही फेंग का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो जल्दी से वहां से भागना शुरू कर देता है और ये देखकर सोंग को सब कुछ समझ आ जाता है। वो फेंग से कहता है, जहाँ पे भागना बेकार है तुम भाग नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तू अपनी गलती मान लो। ये कहते हुए सोंग भाग के फेंग के पास में आता है, उसे जोर से जमीन पे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर ही बैठ जाता है। फेंग डरते हुए कहता है, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे मारो मत। सोंग कहता है, मुझे जल्दी से बताओ व्हाइट पाउडर कहाँ है? फेंग कहता है, इस टाइम पर वो मेरी पॉकेट में है, तुम मेरे ऊपर बैठे हुए हो, जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, मैं वो तुम्हें निकाल के देता हूँ। सोंग कहता है, नहीं रहन दो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं खुद निकाल लूंगा। ये कहते हुए सोंग फेंग की जेब में से उस व्हाइट पाउडर की बोतल को निकालने लगता है। सोंग का ऐसा करना फेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह छूने की कोशिश मत करो। तभी सोंग उस बोतल को निकाल लेता है, वो सच में उसी जेब के अंदर होती है। इसके बाद में सोंग फेंग के ऊपर से उठ जाता है और उसे कहने लगता है, अगर तुम डायरेक्टली मुझे बता देते कि तुम्हारे पास में तो मैं ये सब नहीं करता। फेंग खड़ा होता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। सोंग सोचे लगता है, घटिया हो, इसमें घटिया वाली क्या हरकत हो गई, चलो छोड़ो जाने दो, मेरे पास में ये सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ब्लाइंड का इफेक्ट जल्दी ही खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी जाकर इन बाकी प्लेयर से निपटना होगा। वैसे यहाँ पर किस किसी समझ आया कि फेंग के साथ में क्या दिक्कत है, जिसको पता चल गया प्रीमियर चल रहा है, अभी कमेंट में बताओ। तभी पीछे की साइड से चैन डोंग चिल्लाए कहता है, सोंग मेरा यकीन करो, इस सब के अंदर मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है, इस फेंग ने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ इसने खुद नहीं किया है, मुझे भी इसने नहीं बताया था। चैन डोंग ये कह रहा होता है तभी उसके पेट में एक तलवार घुस जाती है। ये बंदा अजाओ का भाई है। चैन डोंग को मारते हुए ये सोंग से कहता है, तुम भी ऐसे ही मरने वाले हो, अजाओ मेरा भाई था, तुमने उसके दोनों हाथों को काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, तुम यहीं पे मरोगे। सोंग ये सुनते हुए बाकी प्लेयर्स से देखने लगता है, सबकी ब्लाइंडनेस पूरी तरह से हट चुकी है। क्यू हिली कहता है, अब तुम्हारी पुरानी स्किल हम पर काम नहीं करेगी, हमें समझ में आ चुका है तुम्हारी स्किल केवल एक स्पेशल रेंज में काम करती है, इसलिए अगर हम तुम पर केवल दूर से अटैक करेंगे तो तुम हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमारे दूर के अटैक ही काफी हैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए। सोंग कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं इस सबको खत्म करूंगा और यहाँ पर इस सबको से मेरा मतलब तुम सबसे है। सोंग के इतना कहने के साथ ही सोंग के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करना शुरू हो जाते हैं। प्लेयर्स पागलों की तरह सोंग पर अटैक करते हैं, एक तरफ से फ्लेम थोर, एक तरफ से आर्चरी, बीच वाले प्लेयर अपनी मर्जी से कुछ भी सोंग के ऊपर फेंके जा रहे हैं। फेंग भी इस टाइम पर सोंग के पीछे छुपा हुआ है क्योंकि उसे पता है अब ये प्लेयर्स किसी के भी सगे नहीं है, ये उसे भी मार देंगे। सोंग किसी तरह से अपने ब्लेड से इन सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और फिर अपना व्हाइट पाउडर निकालता है और कहने लगता है, ये बिल्कुल मत सोचो, तुम गिनती में ज्यादा हो तो तुम उसे जीत सकते हो, मेरे पास में मेरी स्पेशल चीज आ चुकी है, अब तुम नहीं जीत सकते। ये कहने में सोंग उस व्हाइट पाउडर की बोतल को खोलता है और उसे फेंक देता है, जिसके साथ ही चारों तरफ वो पाउडर फैल जाता है। क्यू हिली कहता है, ये सब क्या हो रहा है, इस लड़के के पास में और किस किस तरह की पावर्स है? मिर्च कहता है, ये स्मेल ये बहुत ज्यादा बुरी है। बाकी बंदे चिल्लाने लगते हैं, उनमें से कहता है, ये लड़के सोंग ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, तुमने हमें बहुत ही घटिया से स्मेल सुंघाई है, अब तो तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। तभी आर्चर कहता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जल्दी से वहाँ देखो। ये सुनकर क्यू हिली और बाकी सबके सब उस तरफ देखने लगते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स उड़ते हुए उस तरफ आ रहे हैं। क्यू हिली कहता है, ये पाउडर कोई नॉर्मल पाउडर नहीं है, इसके अंदर केवल स्मेल ही नहीं है, ये एक तरह का अट्रैक्शन है जिससे मॉन्स्टर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यू हिली के इतना कहने के साथ ही मॉन्स्टर्स और प्लेयर्स के बीच में फाइट वापस से शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान एक प्लेयर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, इस बार ये मॉन्स्टर्स काफी अजीब तरह का बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पागल से हो गए, पिछली बार इन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान था लेकिन इस बार तो अटैक्स इनके ऊपर लग ही नहीं रहे। ये प्लेयर इतना कह रहा होता है तभी एक अजीब चीज के पास में आती है जिसमें ये जकड़ जाता है। प्लेयर मदद के लिए जोर चलाने लगता है, बाकी प्लेयर्स देखते हैं ये एक जीव है, एक बड़े से मेंढक की जो कि इस डंजन का बॉस है और ये लेवल 24 पर है, जिसे देखकर प्लेयर्स कहने लगते हैं, यहाँ पर तो डंजन बॉस भी आ गया, बस इसी की कमी थी। तभी वो मेंढक अपनी जीभ को जोर जमीन पटकता है, उसके साथ करते ही वो प्लेयर भी जमीन पे गिरता है और मर जाता है। क्यू हिली कहता है, ये फाइट तो काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, ये सब कुछ उस लड़के सोंग की वजह से हुआ है, कहाँ पर है वो, कहाँ गया? ये कहते हुए क्यू हिली जरूर दिखता है, उसे कहीं पर अभी सोंग दिखाई नहीं देता। इसके बाद में हम सोंग को देखते हैं जो कि कहीं पर छुपा हुआ है, सोंग के साथ में फेंग भी है। सोंग को एक स्क्रीन शॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, ईस्टर एग एक्टिवेट, तुमने इस डंजन की एक हिडन प्लेस को ढूंढ लिया है जिसके अंदर आने के बाद में बाहर से इसे एक्सेस नहीं कर सकते।
ये पढ़ने के बाद में सोंग फेंग से कहता है, तुम मेरे साथ में अंदर क्यों आई हो? ये जगह केवल एक इंसान के लिए है। फेंग कहता है, बाहर बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, मैं बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मुझे पता था तुम्हारा पीछा करके मैं सेफ रह सकता हूँ। ये सुनकर सोंग फेंग की तरफ कुछ ज्यादा गौर के देखने लगता है। तभी सोंग को काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। सोंग तुरंत मुंह फेर लेता है और सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो गया? एक जगह छुपने की जगह में दो जने छुप गए। फिर सोंग बाहर की तरफ देखता है। इस हिडन स्पेस से बाहर की साइड देखा जा सकता है। प्लेयर्स की फाइट और मशरूम में चल रही है, जिसे देखकर सोंग खुश हो रहा होता है और सोचने लगता है, बस कुछ देर और ये सारे प्लेयर्स गेम पे खत्म हो जाएंगे, फाइट खत्म हो जाएगी और पता चल जाएगा कौन इस फाइट का विनर है। सोंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।